अभी मैं एक बैरल सोनी किन्नर के साथ हूँ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है, और मैं इनके बारे में जानने की प्रयास करूँगा कि क्या लाइफ स्टाइल है और क्या मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है इनके लाइफ में, क्योंकि समाज में कुछ अलग नज़रिए से इनको देखा जाता है, क्योंकि इनका जो बनावटी है गॉड ने बनाया है, ये खुद तो बन के आई नहीं है इस धरती पे। तो समाज का जो परसेप्शन है वो कुछ अलग होता है, कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं समाज। तो थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि इनका लाइफ में किस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, जो समाज में ये कैसे रह पाते हैं और कैसे अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद है आपको इंटरव्यू लेने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी। सोनी कुमारी है। अच्छा, आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर कोलकाता। कोलकाता पड़ता है। अच्छा, आपके माता पिता का नाम जान सकते हैं क्या? उन लोग का इंटरव्यू थोड़ा है ना आप कर रहे हैं, तो उन लोग का नाम हम क्यों लेंगे। अच्छा, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? कोलकाता। कोलकाता ही हुआ है। अच्छा, कितने साल कोलकाता में रहे? आप बिहार में आए हो, 4 साल हुआ है, उसका पहले ही बचपन से मैं कोलकाता ही रहते थे, शुरू से ही। शुरू से ही? हाँ, जन्म से ही। अच्छा, एक सवाल होता है कि आपको कब पता चला कि मैं किन्नर हो, आपको कब एहसास हुआ? मैं जब बड़े हो गए हो तब, कितने साल के हो गए थे? तो जब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हो। फिर लोग आपको देख के कैसे बोलते थे जब आप घर में रहते थे, या फिर आसपास के लोग क्या आपके बारे में सोचते थे, किस प्रकार का उस समय प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता था? लोग तो बहुत बोलता, ताना भी मारता शुरू शुरू में, बहुत कुछ बोलता। ऐसा टाइम आ गया था मैं घर से भी नहीं निकल पाती थी, नहीं स्कूल जा पाती, सब कोई ताना मारता, स्कूल के बच्चा लोग, गांव के लोग, घर के उतना ताना नहीं सुनी हो, क्योंकि बच्चा जैसा भी हो मामी पापा प्यार करते हैं, पापा प्यार ना करें मामी जरूर करेंगी। तो प्रॉब्लम हुआ था, अभी नहीं होता है। अभी नहीं होता है, स्टार्टिंग में जब आप स्कूल जाते थे तब उस समय प्रॉब्लम होता था। जब मैं छोटे थे तब प्रॉब्लम होता, अभी क्या प्रॉब्लम होगा भाई, अभी कोई कुछ बोल के थोड़ा नाम हमसे बोल के चल जा सकता है, क्यों बोलेगा भाई, हम किन्नर हो, कुछ भी हो, हमारे माँ बाप के हो, किसी का थोड़ा ही हो, जो कोई भी कुछ बोलेगा तो हम थोड़ा ना बर्दाश्त करेंगे। हाँ। हम तो फैमिली के साथ ही रहती हूँ भैया, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। और इधर तो मैं काम के लिए आई हूँ, काम करती हूँ, काम करेंगे फिर घर चल जाएंगे, तो हम तो फैमिली के साथ ही रहती हूँ। फैमिली के साथ ही रहते मेरा हैं। मम्मी पापा सबको ही है ना, उन लोग का सबका साथ में रहती हूँ, मेरा गांव में मेरा घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, नहीं देखते क्या मेरा, तो वीडियो वीडियो सब छोड़ती हूँ मम्मी पापा के साथ, सबका साथ, गाँव वाला के साथ। अच्छा, तो ऐसे कहा जाता है कि किन्नर मैरिज नहीं करते, क्या आप मैरिज करेंगे या नहीं? समय आएगा तो, अगर नसीब में आएगा शादी करना तो जरूर करेंगे, होगा ही, अगर ना भी करूँ तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो प्यार वार करते हैं कि नहीं है किसी से? हाँ करती हो, करते हैं आप प्यार? हाँ करती हो, बहुत प्यार करती हो। अच्छा, किससे प्यार करते हैं? हमारे बॉयफ्रेंड से। बॉयफ्रेंड है आपका? क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? आदर्श। आदर्श, कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ, अच्छा, वो कितना करता है प्यार? वो भी बहुत ज़्यादा करता है, बहुत हमसे हमसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा करता है? अच्छा, हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता तो ऐसे ही मीडिया पे थोड़ा ही ना आके बोलता है जो प्यार करते हो लोग। तो आप भी शादी करके आप घर बसाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं भी शादी करूं और घर बसाऊं? जरूर। अच्छा, तो फिर कौन आप नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है, थोड़ा ना कोई अकेला रहना चाहता है। हाँ चाह सकता है, बाकी हम तो चाहते हो हमारा सब कोई रहे, सब कोई तो है, मेरा जो भी कमी है मेरा जिंदगी में सब पूरा हो जाए। हाँ अच्छा, तो मतलब आपके मन में क्या ख्याल है, अगर आप लड़का होते या लड़की होते, क्या आपके मन में ख्याल है? जैसा हो ठीक हो, अच्छा हो, लड़का होते तो और भी परेशानी, लड़की होते तो और भी ज़्यादा परेशानी, क्योंकि लड़का, एक लड़का को बहुत जिम्मेदारी रहता है, बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, जैसे सबका मन रख के चलना पड़ता है, काम करो तभी सब कोई प्यार करेगा, लड़का में ज़्यादातर होता है, काम नहीं करेगा तो मम्मी पापा भी कम प्यार करेगा, और बीवी बाल बच्चा वो लोग भी कम प्यार करेगा। और लड़की लोग का भी, अगर शादी हो जाए उसके बाद घर का काम नहीं करे, किसी का बात ना सुने, अपना बात करे, अपना बात सुने, तब भी सबका पास खराब है, बहुत झमेला है, कोई भी ज़िंदगी हो उतना आसान नहीं होता है, और हमारा भी थोड़ा दुख परेशानी है, और क्या है,
वरना हम तो अपना मन के राजा हो, हम जो मन करते हैं मैं वही करते हो। अच्छा ऐसे जो गर्ल्स होती है वो पढ़ लिख के डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, ऐसे हर सेक्टर में जाती है, क्या किन्नर कभी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकते हैं, जरूर बन सकता है। अच्छा है तो कितना सारे किन्नर है, डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, सब कुछ है। तो आपके मन में कोई ख्याल नहीं था बचपन से कि मैं भी कुछ करूँगा पढ़ लिख के? था ख्याल, बाकी क्या करूँ, मेरा फैमिली मिडिल क्लास फैमिली था और जितना तक हमको पढ़ाया मैं उतना तक पढ़ी हूँ, आपने से पढ़ाई छोड़ दिया, जो पढ़ के फिर पापा को परेशानी में देखना नहीं चाहती हूँ मैं। पढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए बहुत पैसा का ज़रूरत भी होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता ना, अगर पढ़ने के लिए भी पैसा का ज़रूरत होता है। और सब कोई अभी कमेंट कर सकता है, जो सरकारी स्कूल में एडमिशन होता तो सरकारी स्कूल में कितना दिन, 12th तक नो, उसके बाद कॉलेज में जाना पड़ता है, BA में सब कुछ करना पड़ता है, तो उतना आसान नहीं है, बहुत खर्चा भी है कोई भी काम के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी। तो हमको लगता है जो पापा मेरे लिए जितना किया है बहुत किया है, अभी हमको कुछ करना है, तो फिर सोचा कोई काम के लिए घूमेंगे फिर पैसा बर्बाद होगा, और फिर काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि आसानी से मेरा तो काम नहीं मिलने वाला है। तो हम वो सब नहीं सोची हूँ, हम सीधा डांस ही करने लगी हूँ। अच्छा डांस आप बचपन से ही करते थे क्या? बचपन से नहीं, मैं कुछ साल पहले से ही कर रही हूँ। कुछ साल पहले से? हाँ। अच्छा डांस वगैरह करके कितना कमा लेते होंगे? देखिए काम इनकम किसी को नहीं बताना चाहिए, ऐसे फिर भी हमारा खर्चा हम चला लेती हूँ। अच्छा खर्च चला लेते हैं। घर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हैं कि नहीं? हाँ सब कुछ मेरा मम्मी पापा के सारे खर्चे हम उठाते हूँ। अच्छा अपने मम्मी पापा का खर्च उठाते हैं।